अब तो हमें अपने आने वाले नन्हे से मेहमान के बारे में सोचना चाहिए। सब बहुत खुश है ना? जाहिर है, इतनी बड़ी खुशखबरी जो मिली है सबको। ईमान, तुमने आज खाना ठीक से नहीं खाया। मैंने कहा तो था आपसे कि मुझे भूख नहीं है, बस आपकी खातिर आ गई थी। हाँ, लेकिन तुम्हें अब अपने लिए नहीं बल्कि हमारे आने वाले बच्चे के लिए अपना ख्याल रखना होगा। आप है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। ईमान, मैं तो जिंदगी का हर कदम तुम्हारे साथ रखना चाहता हूँ। शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए। कितनी गलतफहमियों के बाद भी तुमने मुझे और सब घर वालों को माफ कर दिया। भूल जाए फकर पुरानी बातों को। हाँ, कह तो ठीक रही हो। अब तो हमें अपने आने वाले नन्हे से मेहमान के बारे में सोचना चाहिए। सब बहुत खुश है ना? जाहिर है, इतनी बड़ी खुशखबरी जो मिली है सबको। लेकिन वहां उसे उदास देखती हूँ तो ये सारी खुशी भूल जाती हूँ। अहमर, माँ की जिंदगी में आने वाला बहना ख्वाब था, उसे जितनी जल्दी भूल जाए बेहतर होगा। आपको लगता है वो उसे भूल जाएगी? हाँ, उसे ऐसे ही करना चाहिए। जिस शख्स ने हम सबकी जिंदगी अजाब बनाने की कोशिश की है, अल्लाह ताला ने उसका चेहरा हम सबके सामने बेनकाब कर दिया। और शुक्र है कि हमारे बीच की गलत फहमियाँ भी दूर हो गई, वरना मैं इतने प्यार करने वाली बीवी को खो देता। मेरी दुआ कि अब हमारे बीच में कोई गलतफहमी ना है। मैं अब होने भी नहीं दूंगा। Assalamualaikum. Please subscribe to AY Digital YouTube channel for amazing content.